एसडीएम संगीता राघव को एक शख्स पिछले कुछ दिनों से धमकियां गालियां दे रहा था, चढ़ा पुलिस के हत्थे, खुद को मंत्री का पीएम बता दी। युवक ने लगाया महिला एसडीएम को फोन, बोला मंत्री का पीए बोल रहा हूँ। जांच में निकला किन्नर, फिर जो हुआ। मैं संजय सिंह बोल रहा हूँ, देवरिया में रहता हूँ, मंत्री का पीए हूँ। मैंने जो काम बताया है वो जाना चाहिए। सहारनपुर की नकुल एसडीएम संगीता राघव के पास एक युवक का फोन आया तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर तो युवक बार बार फोन कर धमकाने लगा, खुद को किन्नर समाज का सदस्य बताते हुए अभद्र भाषा में बात करने लगा। एसडीएम ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। जाने फिर आगे क्या हुआ। चढ़ा पुलिस के हत्थे, खुद को मंत्री का पीएम बता दी थी धमकी। सहारनपुर। सहारनपुर की नकुल पुलिस ने सहारनपुर से 25,000 के इनामी और गोरखपुर जिले के 15,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर चांदनी उर्फ चंदन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए चांदनी उर्फ चंदन के पास से घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन एवं 11 सिम बरामद किए गए हैं। अभियुक्त चंदन के ऊपर गोरखपुर, बलिया सहित कई अन्य जिलों में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अभी कुछ दिन पहले चंदन ने सहारनपुर में तैनात महिला एसडीएम संगीता राघव को कृषि मंत्री का पीए बताकर फोन पर धमकी दी थी। इस पूरे मामले पर एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि गिरफ्त में आया चंदन अपने आप को किन्नर समाज का सदस्य भी बताता था। सहारनपुर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से इस आरोपी को मेरठ के सरधना से गिरफ्तार किया जब ये छुपकर दिल्ली भाग रहा था। आरोपी ने एसडीएम को जूतों से मारने और सिर चीरने की धमकी दी थी। आरोपी के खिलाफ 5 जिलों में 12 मामले दर्ज हैं। आरोपी अपने को कृषि मंत्री का पीए बताता था। आरोपी बलिया के रसड़ा थाना के छितौनी गांव का रहने वाला है। पूरा मामला कुछ इस तरह है। तहसील नकुल की एसडीएम संगीता राघव को एक शख्स पिछले कुछ दिनों से लगातार फोन कर रहा था। वो खुद का नाम संजय सिंह निवासी देवरिया बताया। दरअसल गंगोह क्षेत्र के बीनपुर ग्राम प्रधान को गांव में स्कूल के बाहर से एक ट्रांसफार्मर हटवाना था। प्रधान प्रतिनिधि हरेंद्र चौधरी ने कई बार डीएम, बिजली विभाग और एसडीएम को लेटर लिखा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। फिर हरेंद्र की मुलाकात गांव के वीडियो से हुई। वीडियो ने लखनऊ में बैठे एक एडीओ का नंबर दिया। हरेंद्र ने जब एडीओ से बात की तो उन्होंने आरोपी चंदन उर्फ चांदनी का नंबर दे दिया। चंदन ने काम कराने के लिए 15,000 रुपए मांगे। हरेंद्र ने उसके खाते में 15,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए। इसके बाद चंदन ने नकुल एसडीएम संगीता राघव को फोन करके ट्रांसफार्मर हटाने के लिए दबाव बनाया, फिर मंत्री का पीए बताते हुए धमकाया और गाली गलौज की। सहारनपुर देहात एसपी सागर जैन ने बताया, नकुल एसडीएम संगीता राघव ने धमकी भरे कॉल को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। आरोपी को सरधना मेरठ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी चंदन उर्फ चांदनी है और बलिया का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ कई थानों में 23 मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में भी आरोपी खुद को मंत्री बताकर अफसरों को धमकाता है। आरोपी के पास से 11 फर्जी सिम मिली हैं, 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। प्रधान ने उससे ट्रांसफर हटवाने के लिए 15,000 रुपए दिए थे, पैसे बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी खुद को किन्नर बता रहा है।